हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मिडनाइट मास की कंटिन्यूएशन की, क्योंकि ये पार्ट टू है जिसके पार्ट वन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसे बिना देखे आप इस वीडियो को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर सकते, वरना चीज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। जिस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन, इस वीडियो के एंड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब उसी कंटिन्यूएशन पर आते हैं जहां मैंने इस वीडियो को खत्म कर दिया था, लेकिन उससे पहले बनती है एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो मिडनाइट मास के पार्ट वन को एंड मैंने रायली की मौत से किया था, जिसकी कंटिन्यूएशन को यहाँ पर रखते हुए आते हैं सीधे एरिन के कैरेक्टर पर, जहाँ उसे रायली की काफी ज्यादा चिंता हो रही है कि रायली उससे मिलने नहीं आया तो गया कहाँ पर है। दूसरी तरफ चर्च के मास को खुले रखने का आइडिया बेब ने सोच लिया है रात के 8 बजे का, जिस रात में निकलने में फादर पॉल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और टाउन के कुछ लोगों को ये चीज थोड़ी अजीब लग रही है और बाकी काफी सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ एरिन की तलाश रायली को ढूंढने में अब भी जारी है, जिसके बाद वो वहां से सीधे शेफ के पास पहुंच जाती है और उन्हें रायली के मिसिंग होने की अपडेट देती है, जो इस आइलैंड का दूसरा मिसिंग केस बन गया है। पहला केस बॉल का है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन आधे में ही रुकी हुई है। दूसरी तरफ बात करें टाउन के सभी लोगों की, खास करके अगेन एड एनी और मिडवेट की, तो उनकी एज में भी हम काफी ज्यादा डिफरेंस देख सकते हैं, जो धीरे धीरे यंग हो रहे हैं। जिसके बाद मिडवेट चर्च के मास को अटेंड करने के लिए रात को आती है, जहां पर फादर पॉल की स्पीच सुनने के बाद वो यही बात अपनी बेटी सारा को कहती है कि ये चर्च अब पहले जैसा नहीं रहा। और बात करें फादर पॉल की स्पीच की, तो फादर पॉल वहां पर एक हिसाब से अपनी फ्यूचर प्लानिंग हमारे सामने रखते हैं कि इस आइलैंड से बाहर बाकी दूसरी दुनिया में उस एंजल के मैसेज को किस तरीके से पहुंचाना है, क्योंकि एंजल या फिर कह लो भगवान की नजर में सरहदें बिल्कुल भी नहीं है और सब इंसान एक बराबर है, तो सबसे पहले उन्हीं सरहदों को हटाना होगा, जिसके लिए भले से ही कितनों का खून क्यों न जाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धर्म में सब कुछ जायज है। यानी देखा जाए तो एंजल या फिर कह लो वो शैतान इस पूरी दुनिया से भगवान की आस्था को खत्म कर खुद को ही भगवान बुलवाना ज्यादा पसंद करता है, और कहीं ना कहीं फादर पॉल उसी की बोली बोल रहे हैं, जो उस एंजल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जिसकी बैक स्टोरी बस मैं आपको थोड़ी देर में ही दूंगा। क्योंकि आज रैली पर तो रैली बिल्कुल ठीक ठाक से उठकर सीधे एरिन के पास जाता है और उसे अपनी सिचुएशन बताने के लिए बोट से समंदर के बीचों बीच ले आता है, जिसके बाद वो लोग जिंदगी की बातें करते हैं और रैली उसे बताता है कि असल में उसके साथ क्या हुआ था। और हमें भी पता चलता है कि उस एंजल या फिर कह लो डेविल के खून पीने के बाद रैली की गर्दन टूट गई थी और उसी के खून से उसे फिर से जिंदगी भी मिली है, यानी कि पुनर्जीवन, जिसके लिए उसे अच्छे खासे घंटे का वेट करना पड़ा, क्योंकि ये चीज धीरे धीरे काम करती है और शायद रैली के केस में उसे लगभग 6 घंटे लगे और सुबह भी हो चुकी थी, जिसके बाद रैली डर कर वहाँ से सीधे बाहर निकलता है, लेकिन फादर पॉल उसे रिहाइब सेंटर के अंदर खींच लेते हैं ताकि वो जलकर ऐश में कन्वर्ट ना हो जाए, जिसके बाद वो उसे सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं कि उसे दूसरा जीवन उस एंजल की तरफ से कुछ अच्छा काम करने के लिए दिया गया है, जिसे वो ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता, और ये भगवान के ही उद्देश्य हो गए या फिर कहलो उस एंजल के, जिस कारण से रैली रात को उसे यहाँ पर देखने के लिए फिर से वापस आया था। जिसके बाद रैली फादर पॉल को यही बात बताता है कि वो यहाँ पर फादर पॉल के कहे गए जो कि झूठ की वजह से आया था, जिस कारण से अब इस सिचुएशन में फंस गया है। जिसके बाद फादर पॉल बेव और स्टूट को बुलाकर उसे छोटा सा डेमो भी दिखाते हैं कि अब वो खून का प्यासा है, जिसे उसे खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा, इसलिए स्टूट उसे वहाँ पर अपना खून ऑफर करता है, जिसे वो पीता भी है। दूसरी तरफ बेव को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि शैतान यानी कि उस एंजल ने रैली को ही क्यों चुना, और अगेन फादर पॉल यहाँ पर बेव को यही बताते हैं कि उसके पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य होगा ही, जिस बात को सुनकर बेव शांत हो जाती है और उन्हें यही रिहाइब सेंटर में रहने की सलाह देती है रात होने तक, जिसमें डील फादर पॉल के साथ बेव और बाकी लोगों ने रैली को यहाँ से ना छोड़ने की है, लेकिन फादर पॉल को रैली पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो रात को रैली को बाहर जाने की परमिशन दे देते हैं, जो चीज बेव को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। और रैली वहाँ से सीधे पहले तो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनके पास लेटर छोड़कर वो वहाँ से सीधे एरन को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए उसे यही कहता है कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद उसे इस आइलैंड पर वापस बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आना है, जिस बात को पहले तो एरन सच बिल्कुल भी नहीं समझती, लेकिन सुबह होते ही एरन वहाँ पर सूरज की रोशनी से जलकर राख हो जाता है, लेकिन मरने से पहले वो एरिन को आई लव यू कहता है, जो रिप्लाई में उसे भी लव यू कहती है। और यहाँ पर रैली खुद को माफ करने में कामयाब तब होता है जब उसके सामने वही लड़की आती है जिसकी मौत उसकी कार की टक्कर से हुई थी, और वो रैली को अपने साथ ले जाती है, यानी कि रैली को एक पीसफुल मौत मिली, जिसकी मौत का एहसास फादर पॉल को भी हो जाता है, क्योंकि वो दोनों मरने के बाद एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे। और अब रैली की मौत के बाद एरिन वहां से भागती नहीं बल्कि
फिर से आइलैंड पर वापस जाती है और रास्ते में वो चर्च के मास के रात के शेड्यूल को देखकर हैरान भी होती है और वहाँ से सीधे डॉक्टर सारा के पास चली जाती है, जहाँ जाकर वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है इसी एक्सप्लेनेशन के साथ कि डॉक्टर सारा को उसकी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर सारा एरिन की इस बात पर भरोसा करती है क्योंकि उसकी माँ अब पहले से काफी ज्यादा जवान हो गई है, जिनके ब्लड सैंपल को लेकर उस पर टेस्ट ही करने वाली होती है कि धूप की रोशनी पड़ने पर वो खून पूरी तरीके से जल जाता है और एरिन के खून का रिजल्ट भी कुछ वैसा ही है, यानी कि उनके शरीर में हिसाब से काफी ज्यादा आयरन आ गया है जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है कि ये चीज धीरे धीरे ठीक उस चीज को ना लेने की वजह से हो जो उन्हें फिलहाल तो दी जा रही है, यानी कि डॉक्टर सारा भी श्योर नहीं है कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और ना ही उन्हें ये पता है कि सुबह होने पर एक दिन वो लोग भी जिंदा बचेंगे भी या नहीं। दूसरी तरफ फादर पॉल को रायली की मौत पर अफसोस करने के लिए नहीं कहती क्योंकि वो इसके लायक नहीं और जो है उसे उन पर ध्यान देना चाहिए, जिसके बाद रायली के पिता वहाँ पर आकर अपने बेटे का लेटर उसे दे देते हैं, यही बताकर कि शायद उनका बेटा दिमाग से पैदल हो गया था, जो कि असल में सरासर झूठ है क्योंकि सच हम सभी के सामने है। दूसरी तरफ हेलेन वहाँ से सीधे रायली की माँ के पास जाकर उन्हें सच बता देती है कि उनका बेटा मर गया है, जिस बात को सुनकर रायली की माँ एरिन को वहाँ से भगा देती है और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डॉक्टर सारा शेफ की मदद लेने के लिए जाती है, यही कहकर कि उन्हें चर्च में रेड डालकर कुछ ना कुछ डिटेल्स निकालनी ही होगी, यानी कि सबूत, जहाँ सर्च करने से शेफ पूरी तरीके से मना कर देता है और उसके पीछे का रीजन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यानी कि अब इन तीनों के पास सिवाय इस आइलैंड से बाहर निकलने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, जिसकी कोशिश वो लोग करते हैं लेकिन मेयर के ऑर्डर के चलते इस आइलैंड की दोनों ही बोट को रिपेयर पर भेज दिया गया है, जबकि इस आइलैंड पर स्टूडियो काम कर सकता है। और अब इन तीनों को नहीं पता कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, लेकिन एरिन ने तय कर लिया है कि वो रात को चर्च जाएगी क्योंकि चर्च में एक काफी बड़ा इवेंट रखा गया है जिसे सभी को अटेंड करना है। दूसरी तरफ हम मेयर और स्टूट को देखते हैं जिन्होंने टाउन की सारी बोट्स, लाइट और फोन के कनेक्शन तक को काट दिया है ताकि कोई भी कनेक्शन बाहर की दुनिया यानी कि सिटी से बनाई ना जा सके इस आइलैंड के अलावा। जिसके बाद यानी कि रात के वक्त सभी लोग प्रे करते हुए चर्च की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत ऑब्वियसली बेब मेयर और उनकी फैमिली के साथ करती है और सभी लोग धीरे धीरे उन्हें ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, जिनमें बाद में एरिन, सारा और उसकी माँ भी शामिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ शेफ अपने बेटे अली के साथ चर्च जाने के लिए बिल्कुल रेडी है क्योंकि अब उनका बेटा पूरी तरीके से क्रिश्चियन बनने के लिए रेडी है, रीजन आइलैंड पर हो रहे मिरेकल्स, जिस वजह से अली क्रिश्चियनिटी की तरफ खींचा चला जा रहा है। लेकिन उसके पिता उसे ये बात समझाते भी है कि धर्म को मैजिक से या फिर मिरेकल के साथ जोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और अपनी आस्था को अपने धर्म के प्रति काफी अटूट रखना चाहिए। लेकिन अली एक टीनेजर के चलते काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, जिसकी कंफ्यूजन को दूर बस थोड़ी देर में ही कर दिया जाता है क्योंकि उस चर्च में फादर पॉल के कहने पर स्टूड पॉइजन पीकर अपनी जान ले लेता है, जिसे जिंदा करने के लिए वहाँ पर डेविल यानी कि एंजल फरिश्ते के रूप में आता है, जिसे सभी देखकर पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। लेकिन इसके पहले फादर पॉल सभी के सामने ये बात भी कंफर्म करते हैं कि वही मॉनसीनियर है और उन्हें दूसरी जिंदगी उसी एंजल ने दी है जो यहाँ पर उन सभी का उद्धार करने के लिए आया है। लेकिन इसके लिए उन सभी को मरकर फिर से जिंदा होना होगा, जिसमें अब जितने भी लोग उनके साथ हैं उन सभी को चर्च में ग्लास में पॉइजन दे दिया जाता है, क्योंकि वो डेविल यानी कि एंजल स्टूड को सभी के सामने जिंदा कर देता है और सभी लोग यानी कि चर्च के आधे से ज्यादा लोग उस पॉइजन को पीकर अपनी जान दे देते हैं, जिसमें ये काम सबसे पहले अली ही करता है और बाद में लीजा के माता पिता और टाउन के बाकी सभी लोग, जिन सभी को इस सिचुएशन से निकलने के लिए श्रेफ से लेकर सारा एरिन तक कहती है, लेकिन कोई भी उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता। मिलरेड वहाँ पर श्रेफ की गन को उठाकर फादर पॉल के सर में गोली मार देती है और ये चीज एंजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो मिलरेड को सीधे अपने साथ चर्च से बाहर ले जाता है, जिसके बाद में विन बाकी लोगों को ऑर्डर देकर चर्च के दरवाजे बंद करवा देती है, क्योंकि जो लोग भी वापस मौत से उठते हैं वो सभी खून के प्यासे होते हैं, जो उस चर्च में बाकी उन सभी के खून को पीना शुरू कर देते हैं जिन लोगों ने पॉइजन नहीं पिया था, और इनमें शामिल बेब भी है जो कायर की तरह चर्च के पीछे के रूम में जाकर छुप गई थी, जहां बाद में एरिन, सारा और बाकी लोग पहुंचते हैं, जिसके बाद एरिन मौका देखकर बेब को शेफ की गन से गोली मार देती है और 6 मिनट बाद बेब भी फिर से जिंदा हो जाती है, क्योंकि उन सभी के खून में एंजल का ब्लड मिला हुआ था। मौत के बाद वो उन सभी को रिस्ट्रक्ट कर पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखता है, जिसके बाद बेब वहां से सीधे उठकर चर्च के अंदर जाती है और फादर पॉल के मना करने पर वो स्टूट को ऑर्डर देती है चर्च के दरवाजे खोलने का, ताकि वो सभी जाकर आइलैंड के बाकी सभी लोगों को अपने हाथों से मार दे, और स्टूट भी बेव की उन बातों को फॉलो कर चर्च के दरवाजे खोल देता है, जिसके बाद पूरे आइलैंड में केओस शुरू हो जाता है, जिसमें घर से ढूंढ ढूंढ कर सभी को मौत की नींद सुलाया जा रहा है और उन्हें खून पिलाकर फिर से जिंदा भी किया जा रहा है, ताकि वो लोग आने वाली जंग के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहे। लेकिन जो लोग खुद पर कंट्रोल कर चुके हैं यानी कि एड, वो वहां से सीधे अपने सेक्रीफाइस के बाद अपनी
वाइफ को ढूंढता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एंजल के काटने पर मिल्ड्रेड भी मर गई थी, जो अब फिर से उठकर फादर पॉल के पास आ जाती है। उसे यही बताती है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई, क्योंकि फादर पॉल असल में कायर थे जिनमें इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो सभी के सामने जाकर मिल्ड्रेड का हाथ पकड़े और लोगों को ये बताए कि वो इससे प्यार करते हैं और सारा उनकी बेटी है। जिस बात को मिल्ड्रेड यही कहकर खत्म करती है कि जो कुछ भी हुआ वो बीत गया था और वो लोग प्रेजेंट में जी रहे थे, यानी कि मिल्ड्रेड के पति के आर्मी में जाने के बाद मिल्ड्रेड का चक्कर जॉन यानी के फादर पॉल से चल गया था, जिनसे उन्हें एक बेटी भी हुई। और बचपन से लेकर बड़े होने तक सारा को कभी भी पिता का प्यार नहीं मिला, जिसे फादर पॉल बचपन में बस खड़े रहकर ऐसे ही घूरते रहते। और जब उन्हें एंजल मिला तो वो उसे बेवकूफ बनाकर अपने इस आइलैंड पर ले आए, इसी उम्मीद के साथ कि उनकी फैमिली फिर से पहले जैसी जीने लगेगी। लेकिन सिचुएशन अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और अब बात करें उस एंजल की ओरिजिन की, तो मॉन्सिनियस को वो एंजल यानी कि डेविल पिलग्रिमेज के वक्त मिला था, तब वो जब डायमेंशिया के चलते चीजें भूलने लगे थे। और वो यहाँ से सीधे जेरूसलम जाते हैं, जिसके बाद रेत के तूफान में खोने की वजह से वो एक गुफा की शरण भी लेते हैं, जो केव डेफिनेटली उस तूफान की वजह से खुली थी, जिसके बाद उस डेविल यानी के एंजल ने मॉन्सिनियस का खून पिया और उसे दोबारा जिंदगी दी, क्योंकि वो एंजल उस अंधेरे से निकलकर बाहर दुनिया में आना चाहता था, जिसके लिए उसे किसी का सहारा चाहिए था। और मॉन्सिनियस ने उसे अपनी बातों में फंसाकर ऐसा बेवकूफ बनाया कि वो एंजल एक बड़े से बक्से में बैठकर इस आइलैंड पर आ गया। लेकिन लाने के प्रोसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, जिस पर मैं भी बिल्कुल भी फोकस नहीं करूंगा। बाकी बात रही एंजल की यानी कि जेरूसलम की हिस्ट्री की, आई थिंक उस पर एक फिल्म बनी भी थी, जिसे मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसे देख लो, आपको थोड़ा बहुत हिंट इस एंजल यानी कि डेविल से रिलेटेड मिल जाएगा, क्योंकि उन्हीं चीजों को रिपीट करके कोई भी मतलब बनने वाला है नहीं। इसलिए आते हैं सीधे स्टोरी पर, जिस स्टोरी में वेव सीधे डॉक्टर सारा के घर पर पहुंच जाती है बाकी सभी को मारने के लिए, जिसके बाद एनी बाहर निकलकर उसका ध्यान भटकाती है, वो भी खुद को मारकर, जिसके मरने के बाद वो लोग उसके खून पीने में बिजी हो जाते हैं और सभी वहां से भाग जाते हैं ताकि वो लोग जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकल पाए, जिसमें रायली का भाई वॉरन और लीजा अपनी छोटी सी बोट में बैठकर निकल जाते हैं, क्योंकि भागते वक्त वो लोग रास्ते में ही बिछड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग उस टूटे घर में भी जाते हैं जहां पर वो एंजल बाकी दूसरों का खून पी रहा था। लीजा उस पर गोली भी चलाती है, जिसे इग्नोर कर वो एंजल उस औरत का खून पीने लगता है, जिसके बाद वो पेट्रोल की मदद से उस पूरे घर में आग लगा देती है और वो एंजल वहां से उड़कर भाग जाता है। और दूसरी तरफ वेव स्टूड को ऑर्डर देती है इस आइलैंड के सारे घर को जलाने का, सिवाय चर्च और उनके शेल्टर के, जहां पर वो लोग रात में अपना वक्त बिताएंगे। लेकिन वेव ये चूज करेगी, और हाँ फादर पॉल भी, कि कौन उनके साथ इस शेल्टर में जाकर सोने के लायक है और कौन बिल्कुल भी नहीं। और जो लोग नहीं है वो लोग सुबह होते ही मर जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, वेव ने स्टूड के साथ मिलकर आइलैंड के सारे घर और छुपने के ठिकानों को जला दिया है। दूसरी तरफ एरिन शेफ और डॉक्टर सारा आइलैंड की सारी रिमेनिंग बोट्स को भी जला देती है, ताकि इस आइलैंड से कोई भी शैतान, जिन्हें अब मैं ऑफिशियली वैम्पायर्स कहूंगा, इस आइलैंड को छोड़कर निकलकर ना जाए और बाकी दूसरी दुनिया को बर्बाद ना करे। और दूसरी तरफ एनी फिर से मौत से उठकर अपने हस्बैंड एड को मिलती है, और दोनों यही बताते हैं कि उनका खुद पर कंट्रोल है, जिन्होंने मौत से फिर से उठने के बाद किसी भी इंसानों का खून नहीं पिया। और दूसरी तरफ सुबह होने वाली है, जिसके बाद वे वहां से सीधे चर्च जाकर फादर पॉल को आगे का कमांड देने के लिए कहती है, जिस बात को फादर पॉल पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, जिसके बाद वे सिचुएशन अपने हाथ में लेकर चर्च की घंटी बजाकर सभी को बुलाती है, ताकि वो लोग जल्दी से छुप जाए और अगली रात का इंतजार करें। जिसके बाद स्टूड वहां पर आकर उसे अपडेट देता है कि आइलैंड की बोट जल चुकी है, यानी कि वो लोग इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा सकते। अब वेव यही कहती है कि अगली रात वो लोग इसका सलूशन ढूंढकर निकाल लेंगे। और जितने भी लोग उस शेल्टर में शरण लेने के लिए आए हैं, तो वेव उनमें से ओवी नाम के बंदे को निकाल देती है, जो कभी भी चर्च नहीं आया, और अब अपनी फैमिली को मारने के बाद वो यहाँ पर बस अपनी जान बचाने के लिए आया है। क्योंकि वेव का मानना यही है कि अगर वो टाइम पर चर्च आता और उनके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता, तो आज उसे पता होता कि उसे यहाँ पर करना क्या है। लेकिन स्टूडी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं, क्योंकि होई उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जिसने हमेशा उसकी मदद की है, और उसी ने उसे खून देकर फिर से जिंदा किया, जिसका खुद पर कंट्रोल ना रहने की वजह से होई ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। लेकिन फिर भी वे उसे परमिशन नहीं देती, यानी होई सुबह होते ही जल जाएगा। और दूसरी तरफ डॉक्टर सारा भी रिटर्न आई है चर्च को आग लगाने के लिए, जिसके बाद उसके पिता यानी कि फादर पॉल उसे सच बताते हैं और यहां से पीछे के रास्ते से भागने के लिए कहते हैं, जो वो करने ही वाली होती है कि स्टूड वहां पर पहुंचकर डॉक्टर सारा को गोली मार देता है। फादर पॉल अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए उसे अपना खून देते हैं, जिसे पीकर वो थूक देती है, यानी कि सारा अपनी खुद की मौत को एक्सेप्ट करती है बजाय शैतान बनने के, जिसे लेकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जाते वक्त मिल्ड्रेड सारे चर्च को आग लगा देती है, यानी कि फादर पॉल ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुल मौत मरेंगे। जिसके बाद बेब की नजर शेफ की तरफ जाती है, जो पूरे शेल्टर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बेब उन्हें गोली मारकर वहीं पर रुकवा देती है, यही कहकर कि इन आतंकवादियों का काम धर्म के रास्ते में आकर हमेशा
हमेशा लोगों को रोकने का ही है। जिसके बाद चर्च के अंदर से बाहर एलिन निकलती है जिसने बाकी पेट्रोल अंदर की तरफ छिड़का है, लेकिन जैसी ही वो उस शेल्टर को आग लगाने वाली होती है तो एंजल वहां पर आकर उसे दूसरी तरफ गिरा देता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है, जिसे खुद में ही बीसी रखकर एरिन खुद की मौत को स्वीकार करती है और नाइफ से उस एंजल के पूरे विंग पर छेद कर देती है ताकि वो उड़कर खुद को सुबह के वक्त बचा ना ले। और एंजल को उन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खून पीने में बहुत ही ज्यादा बिजी है। दूसरी तरफ शेल्टर को जलाने का काम अली अपने हाथों में ले लेता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा था, जिस डिसीजन पर उसके पिता को उस पर नाज है। जिसके बाद अली अपने मरते हुए पिता को अपने साथ सनसेट की तरफ ले जाता है जहां वो दोनों नमाज पढ़ते हैं और सुबह होते ही अली की वहां पर डेथ हो जाती है। लेकिन उससे पहले अब्बे पूरी तरीके से हताश है कि उनके पास छुपने के लिए कोई भी शेल्टर नहीं, इसलिए सभी लोग अपनी मौत को एक्सेप्ट करकर अपनी अपनी फैमिलीज के पास रिटर्न चले जाते हैं। लेकिन बेव हार मारने वालों में से नहीं है, जो पहले तो खुद की मौत को एक्सेप्ट करने वाली होती है लेकिन सुबह जैसी ही होती है वो खुद को बीच की रेतियों से ढकने की कोशिश करती है, लेकिन सुबह उसे अपने चपेट में लेती है यानी जलाकर मार देती है। दूसरी तरफ टाउन के सभी लोग हंसी खुशी खुद की मौत को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो सभी गुनहगार है, लेकिन अंत में उनकी पीसफुल मौत यही हिंट देती है कि भगवान सभी को माफ करते हैं। और दूसरी तरफ एरिन मर रही है जिसके बाद वो खुद की मौत का एग्जाम्पल देती है कि मरने के बाद उसे कैसा फील हो रहा है, यानी कि वही कि वो काफी अच्छा फील कर रही है और अब उसे लग रहा है कि वो भगवान की शरण में जा रही है क्योंकि फाइनली उसे पीस मिल चुका है। और दूसरी तरफ बात करें डेविल यानी कि एंजल की, तो खून पीकर उठने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी विंड को काट दिया गया है जिस कारण से वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता और सुबह होते ही वो भी मारा जाएगा, जिसकी डेथ को यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया लेकिन कंफर्मेशन दे दी गई है कि वो एंजल यानी कि डेविल भी सुबह होते ही जल गया था। कैसे, तो उस पर भी आते हैं थोड़ी ही देर में, क्योंकि दूसरी तरफ इस आइलैंड से अगर कोई बचा है तो वो लीजा और वॉरेन ही है जो अपने जलते हुए आइलैंड को अपनी छोटी सी बोट पर बैठकर देखते हैं, जहां पर लीजा वॉरेन को यही हिंट देती है कि वो अब अपने पैरों को फील नहीं कर सकती। और ये हिंट हमें कंफर्मेशन देता है कि एंजल की डेथ हो चुकी है, यानी कि शैतान हार गया और इंसानियत जीत गई, जिस मैसेज के साथ मिडनाइट मास का ये सीजन भी पूरी तरीके से अपने सीजन 1 में ही खत्म हो जाता है। जिसकी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो में कुछ भी पसंद आया है यानी कि मेरी मेहनत, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।